1, 2, and 3. सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और विश यू वेरी वेरी अखा तीज एंड हैप्पी बर्थडे बीकानेर। एक साल बाद फिर से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एक्चुअल में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते दिन को, और शुरू हो चुका है वैसे। 5:30 बजे हमने पतंग उड़ाना चालू कर दी थी, और अभी बजे 9। सुबह 5:30 बजे से छत पर चढ़े, और लगभग हमने व्लॉग स्टार्ट किया 9:30 बजे। ठीक है, आओ हुकम। और एज यूजुअल सुबह सुबह पतंग उड़ाने चालू हो गए थे, तो सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर ले, आपको भी दिखाना। आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया पिछले व्लॉग में जो देखा आपने। ठीक है, और हाँ, पिछले साल की शाम जैसी हवा सुबह से बहुत प्यारी चल रही है, मज़ा आ रहा है वास्तव में पतंग उड़ाने के इस बार। तो हमारे दिन की पहली ट्रिप आमली, जो स्पेशली आका तीज पे बनती है सभी घर में बिकाने में। तो काउंट करते हैं आज के पूरे दिन का क्या क्या ट्रीट रहने वाली है आज, तो और वैसे कंटिन्यू जाएगी, रुकने वाली तो है नहीं। हेलो गाइस, यहाँ हमें मजबूरी में लोगों की बच्चों की पतंगें उड़ा के देनी पड़ रही है। ये देखो, ये गौतम भी है, ये दिवांशु भी है, ये व्यान भी है, ये गौतम भी है। और मैं पहले बहुत लड़ते थे पतंग के लिए, एक दूसरे का सर खोल देते थे। अब हम चल चल फटाफट पकड़ ले। ये साउंड सिस्टम यहाँ लगा रखा है, वहाँ बंदे उधर सामने बजा रहे हैं, हवा के थ्रू आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, तो सोचा बंद कर देते, बैठ देते। ये हमारी दूसरी ट्रीट आलू के परांठे, और अब इसको बड़े आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे हम। तो ये हमारी तीसरी ट्रीट, अभी तक 12 बजे से। जाने दे जाने दे, ऊपर में ऊपर में, उठा उठा पतंग उठा, छोड़ छोड़ रे। जाने दे 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 जाने दे। सीधा दोपहर के 12-1 बजे से शाम के सीधा 5 बजे का ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि आंधी थी तेज चल रही थी, मैं कुड़ा रहे यार। तो इससे पहले अंधेरा हो, शाम का एक्चुअल का माहौल चालू है, क्यों ना थोड़े बड़े बड़े हथियार निकाले जाए और ये बड़ी पतंग उड़ाई जाए। तो इससे पहले इनका धागा बांधते हैं। पक्का उड़ तो जाएगी ये? नहीं उड़े तो तू उड़ा देना, ठीक है, तू खुद उड़ जाना, मुझे नहीं पता। एक डंडी मोड़ के बाहर क्यों खराब होते हैं, समझ। ये आपके सामने हिंदी बोल रहे, पूरे घर में मारवाड़ी चलती है इनकी, आए आए करते। अरे तो चमत्कार हो गया भाई, क्या बात है, मयंक से पहली बार पतंग उड़ गई। मयंक अब काटेगा या कटवाएगा, अभी देखो। आने दो, जाने दे मयंक, जाने दे सासुन, जाने दे। नहीं नहीं, नहीं लटे मत पकड़, पढ़ने दे, जाने दे जाने दे, लड़ ले भाई, काट लपेट लपेट मयंक यहाँ से। शाम को हर कोई छत पे चढ़ा हुआ, मस्त कलर पॉप लाऊंगा, लाओ कलर पॉप लाओ, माचिस मंगा। इधर भी हट जाएगा।
शाम की बज रही है, पौने सात। अब पतंगे लूटे या पतंगे उड़ाए या पतंगे काटे या क्या करे समझ आएगी। उड़े छत पे पतंग, यहाँ तक बने रहने के लिए। और जैसे वीडियो स्टार्ट की थी वैसे वीडियो एंड करेंगे। 1, 2 and 3 अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच सबसे पहले। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि पता नहीं आपके साथ भी इंसिडेंट हो सकता है, मेरे साथ तो शाम को हुआ है और मेरे जस्ट एरिया में ये एक इंसिडेंट हुआ है। और बीकानेर की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये एक्शन लिया गया था कि ये प्लास्टिक मांझे को बैन किया जाए, इसकी सेलिंग पे, इसके यूज पे, ऑब्वियसली क्योंकि ये इतना हार्मफुल है हमारे लिए कि हाथ भी कट सकते हैं, गर्दन भी कट सकते हैं और ये ईजिली टूटता भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आप इस बात पर गौर करेंगे और यूज़ भी नहीं करेंगे, जो यूज़ कर रहा है उसके उसको भी मना करेंगे आप एकदम प्यार से, एकदम जुला के कि हाँ भाई और इसको यूज़ मत करो, हमारे लिए ये सेफ़ नहीं है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए एंड बाय बाय।